सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बच्चों अब तक हमने क्या जान लिया, उपसर्ग के बारे में जान लिया, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, कुछ शब्द होता है जो किसी भी शब्द के अगर आगे लग जाए तो उसका अर्थ में परिवर्तन कर दे या नया अर्थ उत्पन्न हो जाए, ठीक है। जो हमारा हम लोग जान ही रहे हैं, शब्द निर्माण कर रहे हैं, तो हमें कम से कम नया शब्द से जरूर ही मिलना चाहिए, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ ऐसा मीनिंग भी निकलना चाहिए। तो कुल मिला जुला कर शब्द निर्माण की एक कंडीशन है कि नया शब्द बनना चाहिए। उसी प्रकार जो हमारा प्रत्यय होता है वह शब्द के आगे नहीं लगते बल्कि शब्द के पीछे लगता है। क्या कहाँ लगता है बताइए, तो पीछे लगता है। प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे लगे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मतलब शब्द, कौन सा शब्द, जैसे आप लोग दूध है, ठीक है, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूध है, तो दूध वाला पीछे क्या लग गया, वाला लग गया, तो ये वाला क्या हो गया, वाला ही आपका प्रत्यय हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए उड़ धन आन, उड़ मतलब क्या होता है, उड़ना, पीछे आन लग गया, आन क्या है, शब्द है ना, तो वही मिलकर उड़ान हो गया। तो इसी प्रकार खेल धन औना, औना ठीक है, औना नाम का प्रत्यय लग गया पीछे तो क्या हो गया, हाँ औना प्रत्यय मिल गया तो क्या हो गया, खिलौना, नया शब्द बना कि नहीं, खिलौना, पहले खेल था फिर खिलौना हो गया। तो कुल मिला जुला कर जो हमारा प्रत्यय है वह क्या है, शब्द के पीछे लगता है और क्या एक नया शब्द भी बना देता है, ठीक है। हमारा उपसर्ग प्रत्यय में यही अंतर है कि उपसर्ग कहाँ लगता है बताइए आप लोग, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय क्या कहाँ लगता है, बाद में लगता है, ठीक है, ये बात तो हम लोग समझ गए। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले हम लोग इसे प्रकार देख लें। देखिए प्रकार है उसका हमें नहीं पूछेगा, हमें केवल कुछ शब्द दे देगा उसी बारे में डिस्कस करने के, हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो इसके प्रकार पता होने चाहिए। कौन कौन से प्रकार होते, दो प्रकार से, एक कृत्य प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। दो प्रकार के हमारे प्रत्यय होते हैं, तो वही कृत्य मतलब जो क्रिया के आगे लग जाए, ठीक है, और जो तद्धित मतलब कि संस्कृत के बाद में लगे, ठीक है, शब्दों के बाद में लग जाए, कुल मिला जुला कर यही है, ठीक है। तो हमें ये सब नहीं पूछेगा, जैसे हम लोग लगा रहे हैं अन, चलन, पहले चल होता है प्लस अन, ये हमें थोड़ा तोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आप लोग तोड़ कर कम से कम एक बार ट्राई कर लीजिएगा। उसी पर जैसे आराध्य है, पहले आराध्य होता है, क्या होता है आराध्य, फिर आ लगा दीजिए तो आराध्य हो गया। तो कुल मिला जुला कर जो हमारे शब्द पीछे लग रहे हैं उसी को हम अलग कर देते, अनि प्रशंसा होता है, अधनी हो गया, अनीय हो गया, आख हो गया, ऊख हो गया, ती हो गया, मान हो गया, तब हो गया, न हो गया, यह हो गया, इसी प्रकार के हमारे डिफरेंट डिफरेंट शब्द होते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोगों को सारा आ जाएगा, अब मैं प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा तो उसमें लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रत्यय समझ लिया क्या आता है, हाँ प्रत्यय शब्द होता है जो नया पीछे लग जाए, ठीक है, जो शब्द पीछे लगेगा वह प्रत्यय हो जाएगा, उपसर्ग क्या होगा जो आगे लगेगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, हम हमारी जितनी भी हमारी सीरीज है सभी लोग जाके देख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं। अब तक आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, ठीक है।